नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे ने रविवार को समाजवादी पार्टियों की एक सभा में कहा कि अगर भाजपा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर फूल बरसा सकती है तो वे भी समाजवादी पार्टियों से बात कर सकते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समाजवादी पार्टियों का साथ देने के चलते उद्धव ठाकरे पर पाप करने का आरोप लगाया था। शिंदे ने रविवार को ठाणे में कहा कि जिन समाजवादियों ने शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे का अपमान और विरोध किया था, उद्धव उनका साथ दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा, जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं उन्हें कांग्रेस जैसी पार्टियों के साथ हाथ मिलाने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। बाल ठाकरे ऐसी पार्टियों को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहते थे। आने वाले चुनावों में जनता ऐसे लोगों के नकली हिंदुत्व मुखौटे उतार देगी। शिंदे पर पलटवार करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, 1966 में स्थापित शिवसेना और समाजवादी पार्टियों के बीच मतभेदों का एक लंबा इतिहास रहा है। हालांकि इसके बावजूद उनके पिता बाल ठाकरे और समाजवादी नेता संयुक्त महाराष्ट्र के साझा उद्देश्य के लिए एक साथ आए थे। मतभेदों को बैठकर बात करके दूर किया जा सकता है। आपातकाल के खिलाफ आंदोलन में भी समाजवादियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं जिन समाजवादी पार्टियों से बात करता हूं, उनमें कई मुस्लिम हो सकते हैं लेकिन वे राष्ट्रवादी हैं जो लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।